हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। दोस्तों मैं मनीष और आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑसम ट्रेनिंग ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों प्रीव्यू में जो वीडियो आपने देखा, तो फ्रेंड्स इस तरह के मोशन इफेक्ट पोस्टर 3D स्टेटस अगर आप भी बनाना चाहते हैं काइनमास्टर एप्लीकेशन की मदद से, तो फ्रेंड्स पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। दोस्तों इसी एडिटिंग के लिए मैं जो भी मटेरियल्स का यूज़ कर रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, देन उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आपको सिंपली अपने फोन के स्क्रीन पर चले जाना है और यहाँ पर काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। सो गाइस काइनमास्टर एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। देन आपको क्या करना है, फोन का बैक बटन प्रेस करना है, यहाँ पर जो पॉपअप आएगा वो कट जाएगा। और दूसरा काइनमास्टर आप यूज कर रहे हो उस पर पॉपअप नहीं आता तो कोई परेशानी नहीं है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे क्लिक कीजिए, 9x16 वाला रेसोर्स लेकर के क्रिएट वाले ऑप्शन टैप कर लीजिए। देन आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपको डाउनलोड में चले जाना है। सबसे पहले बैकग्राउंड वीडियो को आपको सेलेक्ट कर लें जो 29 सेकेंड का होगा। अब इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, देन लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मीडियम चले जाइएगा। मीडियम जाने के बाद फिर से आपको डाउनलोड में चले जाना है और फ्रेंड्स यहाँ से ये वाला PNG को आपको सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसे इस तरह से फ्लिप कर लीजिएगा, मतलब रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद फ्रेंड्स इसे जूम करना है, आपको इतना जूम कर लेना है कि स्क्रीन पर ये अच्छे से एडजस्टेबल हो जाए, देखने में सही लगे। अब इसे इस साइड में आप कर लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसे आप देख सकते। थोड़ा सा और इसे जूम कर लेते फ्रेंड्स, थोड़ा सा और, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। देन इसके ड्यूरेशन को आपको लास्ट तक कर लेना है, पूरा खींच लीजिएगा इस तरह से और पूरा लास्ट तक कर लीजिए। तो देख सकते हैं यहाँ पे पूरा लास्ट तक हो गया। अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा लास्ट से थोड़ा पहले बस इतना पे, अब देख लीजिए बस एक मतलब हल्का सा छोड़ना है। अब यहाँ पर आप क्या कीजिए, डिलीट बटन को आपको का ऑप्शन आ रहा है इस पर टैप कर लीजिए। टैप करने के बाद यहाँ पर प्लस कर लीजिए, प्लस करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। अब इसे आपको पूरा फ्लिप करके इस साइड तक कर लेना है, ठीक है, मतलब स्क्रॉल करके फ्लिप, मैंने गलती से बोल दिया, स्क्रॉल करके इस साइड तक इस तरह से कर लेना है, ठीक है। तो ये जब प्ले होगा तो कुछ इस तरह से चलेगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे धीरे धीरे से इस साइड में इस तरह से जाएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, परफेक्ट लग रहा है। अब स्टार्टिंग में आ जाइए, यहाँ पे ये की के ऑप्शन पर टैप करके यहाँ से बैक आ जाइए। बैक आने लेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक कीजिए, मीडियम जाएगा। देन मीडियम जाने के बाद आपको अपना मॉडल इमेज ले लेना है, तो जो भी मॉडल इमेज आप यहाँ पे लेना चाहे उसे ले लीजिएगा। मैं तब तक के लिए फुल बॉडी में ये वाला ले लेता हूँ और इसे थोड़ा सा छोटा कर लेंगे ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए अच्छी तरह से, जो मिट्टी दिख रहा है उस पर एडजस्ट हो जाए पैड उसका, और लगे जैसे यहाँ पे खड़ा है इस टाइप का कुछ लगना चाहिए, ठीक है। तो अच्छे से आप यहाँ पे इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं तो अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे इस तरह से इसे रख लेते हैं। रखने के बाद फ्रेंड्स आपको क्या करना है, इसके ड्यूरेशन को आपको खींच कर लास्ट तक कर लेना, पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, ठीक है, इस तरह से परफेक्ट लास्ट तक। एंड इसके स्टार्टिंग में आइएगा, यहाँ पे भी डिलीट बटन के ऊपर की का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करने के बाद आगे की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा, ये बोर्ड जो आगे की तरफ जा रहा है तो इस बोर्ड के साथ में यहाँ पे प्लस कीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे भी आपको मॉडल इमेज को इस साइड में स्क्रॉल करके चले जाना, जहाँ पर रखे थे वहीं पर रख लीजिएगा, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाइए, बोर्ड भी यहाँ से गायब हो गए, तो थोड़ा सा धीरे धीरे आगे की तरफ जाएगा और यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा। मिनिमम 6 से 7 सेकेंड तक आपको चले जाना है, तो हम नॉर्मली 7 कट ही देते हैं, ठीक है, यहाँ पर 7 सेकेंड पर, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कर लेंगे, प्लस करने के बाद इसे भी अब पूरी तरह से इस साइड में कर दीजिए कुछ इस तरह से, देख सकते हैं ये चला गया। अभी ये जो प्ले होगा तो कुछ इस तरह से जाएगा, जैसे पे स्क्रीन पे देख सकते हैं एकदम साथ में धीरे धीरे से इस तरह से जा रहा, लग रहा है 3D में मूव कर रहा है, परफेक्ट इतना हो गया। देन अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आगे आ जाना है, मतलब यहाँ पे जो फर्स्ट की लगाए थे जैसे 4 या 5 सेकंड पे आप की लगाए होंगे उसके बीच में आ जाइएगा। यहाँ पे एक बैक कीजिएगा, बैक करने लेयर के ऑप्शन में क्लिक करके मीडियम जाइए। उसके बाद मीडियम जाने के बाद आपको डाउनलोड में चले जाना है और फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने एक कोकोनट का ट्री वाला दिया था, ये कोकोनट नहीं है फ्रेंड्स, इस देहात में मतलब गाँव में ताड़ का पेड़ बोलते हैं, तो इसी को आपको ले लेना है और इसे इस तरह से जूम कर लेना है, ठीक है, इस तरह से जूम कर लीजिएगा और इतना पे इसे रख लीजिएगा कुछ इस तरह से। देन इसके ड्यूरेशन को भी आपको खींच कर पूरा लास्ट तक कर लेना है कुछ इस तरह से, यहाँ पर कर लीजिएगा। करने के बाद इसके स्टार्टिंग में आ जाइएगा और थोड़ा सा आगे करके की लगाते हैं, यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके की लगा लीजिएगा। फिर स्टार्टिंग में चले जाइएगा, स्टार्टिंग में जाने के बाद इसे इधर कर दीजिएगा, तो अब जब ये मूव करेगा तो इस तरह से कुछ आएगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर ये इसके साथ में ही आना चाहिए, थोड़ा सा और आगे इसे खींच लेते हैं, यहाँ पर सेकेंड वाले पे आ जाते हैं, सेकेंड वाले पे, और थोड़ा सा इतना पे ले लेते हैं, थोड़ा सा और पहले इसे हम लाएंगे तो चलेगा, तो थोड़ा सा इसे खींच कर इधर को कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं इस तरह से, तब ये साथ में यहाँ पे आ रहा है, परफेक्ट लग रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इतना पे आ जाना है यहाँ पे और यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद फिर लेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है, मीडियम जाना है। सो मीडियम जाने के बाद फिर से आपको नेक्स्ट PNG मॉडल इमेज का जो है उसे ले लीजिएगा, ठीक है। एंड इसके ड्यूरेशन को भी आपको लास्ट तक कर लेना है, पूरा लास्ट तक कर लीजिएगा, ठीक है, पूरा लास्ट तक, यहाँ पे यहाँ तक,
परफेक्ट, ठीक है। फिर इसके स्टार्टिंग में आ जाएगा, आने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा आगे आ जाना है, इतना पे सही रहेगा, और इसे थोड़ा छोटा कर लीजिएगा। छोटा करने के बाद यहाँ पे इसे एडजस्ट कीजिएगा कुछ इस तरह से, ठीक है, इस तरह से इतना पे रख लेते हैं। और डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है, इस पर टैप करके एक की लगा लीजिएगा, फिर इसके स्टार्टिंग में जाकर यहाँ पे इसे मूव करके इस साइड में कर दीजिएगा। तब ये जब आएगा तो साथ में इस तरह से कुछ दिखने लगेगा, जैसे आप देख सकते हैं। अब धीरे धीरे से हम इसे एडजस्ट कर लेते हैं। तो पहले तार वाले पर क्लिक कीजिए, ऊपर जो पेंट है ट्री है इस पर, और डिलीट बटन के ऊपर जो की है उस पर की लगाइए, और यहाँ से आप इसे मूव करके प्लस कर लीजिए और आगे की तरफ लेकर आइए कुछ इस तरह से। यहाँ पर रखते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे और यहाँ पर प्लस कर लेते हैं। प्लस करने के बाद इसे मूव करके इस साइड में यहाँ पे रख लेते हैं, फिर थोड़ा सा आगे चलेंगे और प्लस करके, प्लस करने के बाद इसे मूव करके इस साइड में कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम मॉडल इमेज ऐड किए थे उस पर आ जाइएगा, आने के बाद थोड़ा सा इस साइड में मूव कीजिएगा और प्लस कर लीजिएगा, यहाँ पे की पे क्लिक करके प्लस कर लीजिएगा। प्लस करने के बाद इसे मूव करके आपको यहाँ पे रख लेना है इस तरह से, इतना पे, ठीक है। फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा और यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे मूव करके इस तरह से यहाँ पे रख लीजिएगा, ठीक है। फिर आगे की तरफ जाइएगा और प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे आप मूव करिएगा और यहाँ पे इसे रखिएगा, जैसा आप देख सकते हैं। और ये जो नया वाला ट्री एक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पे जो ट्री आ रहा है फ्लावर वाला, इस ट्री के जस्ट बाद फिर से हमारा वो वाला मॉडल आएगा जो हम पहले यूज़ किए थे। तो कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ। पहले तो इसे एडजस्ट कर लेते हैं इतना पे ही, यहाँ से आगे की तरफ लेकर चलते रहेंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, फिर इसे थोड़ा सा मूव करेंगे इधर को, यहाँ पे इस तरह से, और अब ये प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद इसे पूरा गैप कर देंगे, यहाँ पे ये गैप हो गया, ठीक है। अब आपको नेक्स्ट मॉडल लेकर आना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इधर आ जाते हैं, लेयर पर क्लिक करते हैं, मीडिया में जाते हैं। मीडिया में जाने के बाद जो पहला वाला हमारा मॉडल था उसे ले लेंगे, ये वाला, और इसके ड्यूरेशन को खींच कर पूरा लास्ट तक कर लेंगे, यहाँ पे लास्ट तक, जैसा देख सकते हैं। देन इसके स्टार्टिंग में आ जाएंगे, यहाँ पे इसे थोड़ा सा छोटा करेंगे और एडजस्ट करेंगे कुछ इस तरह से, यहाँ पे इसे रखेंगे, देख सकते हैं यहाँ पे जहाँ पे है वहीं पे इस तरह से रखेंगे, और थोड़ा सा आगे आकर डिलीट बटन के ऊपर की पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे की लगा लेंगे, फिर स्टार्टिंग में आकर स्टार्टिंग में आने के बाद इसे मूव कर देंगे इस तरह से। तो ये अब इसके साथ में यहाँ पे इस तरह से आएगा, जैसा देख सकते हैं। अब आगे की तरफ आइएगा, प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद यहाँ पे इसे इतना पे ही रख लीजिएगा, जैसा आप देख सकते हैं। फिर आगे की तरफ जाना है यहाँ पे और प्लस करना है, प्लस करने के बाद इसे यहाँ पे रख लेना है, जैसा देख सकते हैं, परफेक्ट। और फिर आगे की तरफ जाकर यहाँ पे प्लस करना है, प्लस करने के बाद इसे इतना पे रख लेना है, और यहाँ पे लास्ट करते हैं यहाँ पे, और प्लस करके थोड़ा सा यहाँ पे इस तरह से रख लेंगे। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे इसके नीचे से ज़मीन तो खिसकेगा थोड़ा सा पैर के नीचे से, बट सही लगेगा, हम देख लेते एक बार। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से आ रहा है, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सही लग रहा है, ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, थोड़ा सा तो चल ही रहा है, बट ठीक है। इसे हम थोड़ा सा और एडजस्ट कर लेंगे, कुछ ज़्यादा ही तेज़ आ रहा है। तो यहाँ पे सेकेंड वाला जो है उस पर आते हैं और इसे थोड़ा सा और अंदर ही रख लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे इसे ये यहाँ पे रख लेते हैं, फिर आगे वाले पे आ जाएंगे और इसे यहाँ पे रखते हैं, फिर थोड़ा सा और इधर स्क्रॉल करते हैं। अब यहाँ लास्ट में यहाँ पे रख लेते हैं, परफेक्ट, हमारा काम हो गया। जो प्ले होने पे कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा, जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ऑप्शंस, अब आपको एक लैटेक्स वीडियो ले लेना है, जो भी लैटेक्स वीडियो पे एडिटिंग करना चाहते हो उसे ले लीजिए। तो लेट का ऑप्शन पे क्लिक करके मीडियम जाएगा, मीडियम जाने के बाद आप जो भी लैटेक्स पे एडिटिंग करना चाहते हो उसे ले लीजिएगा। तो यहाँ पर मीडिया पर क्लिक कर लेते हैं, एक लैटेक्स कोई फ्लैश वाला लैटेक्स ब्लैक स्क्रीन में हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, आप ले लीजिएगा और उसे सिंपली एडजस्ट कर लीजिए। मेरे पास काफ़ी सारे लैटेक्स वीडियो तो मैं देख लेता हूँ, कोई सा भी यहाँ पर एडजस्ट करके मैं आपको एडिटिंग बस बता दूंगा, आप कोई अच्छा सा लैटेक्स वीडियो ले लीजिएगा, जैसे मैं इसे ही ले लेता हूँ, ठीक है। मैं तब तक के लिए इसे ले लेता हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे नॉर्मली मैं एडिटिंग बताने के लिए ले लूँ। अब कोई व्हाइट फ्लैश लाइटिक्स वीडियो जो आता है उसे ले लीजिएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो फ्रेंड्स ये लाइटिक्स वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इसे नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे ब्लेंडिंग का ऑप्शन दिखेगा, ब्लेंडिंग पे क्लिक करके इसे आपको स्क्रीन कर लेना है। करने के बाद कुछ इस तरह से आएगा, यहाँ से इसे जूम कर लीजिए, जूम करने के बाद इसे यहाँ पे इस तरह से रखिएगा, ठीक है, यहाँ पे, और थ्री डॉट पे क्लिक करके सेंड टू बैक कर देते हैं। करने के बाद फिर से यहाँ पे डिलीट बटन के ऊपर की का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे और आगे की तरफ आएंगे, यहाँ पे एक प्लस लगा लीजिएगा, फिर थोड़ा सा आगे जाइएगा और यहाँ पे प्लस लगाइए, प्लस करने के बाद इसे मूव करिएगा आगे की तरफ इस तरह से, जैसा आप देख सकते हैं। और फिर थोड़ा सा आगे आएंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसे मूव कीजिएगा इस साइड में, परफेक्ट, यहाँ पे। फिर आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पर प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसे मूव कर देंगे इस साइड में। देन
यहाँ पे बैक आइए। बैक आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ से बैक आना है और ट्रिमर वाला जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके ऐसे स्प्लिट कर लीजिए यहाँ पे, तो दूसरा पार्ट हमारा इस साइड में आ जाएगा। अब दूसरे पार्ट को सेलेक्ट कीजिएगा, सेलेक्ट करने उसके स्टार्टिंग में आ जाकर डिलीट बटन के ऊपर की के ऑप्शन टैप कीजिएगा और इसे मूव करके यहाँ पे रख लीजिएगा कुछ इस तरह से, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे भी रख सकते हैं इस तरह से, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो आपको जहाँ पे भी सही लगे इस तरह से यहाँ पे प्लस कर लीजिए। प्लस करने के बाद इसके साथ में इसे भी मूव करना होगा, फिर थोड़ा सा आगे जाइए यहाँ पे प्लस कीजिए, प्लस करने के बाद इसे और मूव करके इधर ले जाना होगा, फिर यहाँ पर प्लस कर लीजिएगा और पूरा इस साइड में गायब कीजिएगा यहाँ पर, और फिर यहाँ से बैक आकर ट्रिमर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके स्प्लिट कर लीजिएगा, ठीक है। देन यहाँ पे जो नेक्स्ट पार्ट बचा है इसमें आपको आ जाना है और यहाँ पे भी आपको सेम प्रोसेस, डिलीट बटन के ऊपर जो की का ऑप्शन है इस पर टैप करना है, टैप करने के बाद इसे आगे की तरफ आना है, प्लस करना है, प्लस करने के बाद इसे यहीं पे रख लेते हैं इस तरह से, ठीक है। और फर्स्ट वाला की जो लगा है इस पर भी इसे मूव करके यहीं पर रख लेते हैं फर्स्ट वाले की पे, तो कुछ इस तरह से आएगा जैसे देख सकते हैं। अब आगे की तरफ आइएगा, यहाँ पे प्लस कीजिएगा, प्लस करने के बाद इसे तो यहीं पे आप रहने देना, तो अब कुछ नहीं करना है। अब इसे प्ले करके आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, जैसा आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिरिक्स पहले ऊपर की तरफ दिखेगा, फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर आगे की तरफ जाएगा, फिर नीचे की तरफ यहाँ पे आ जाएगा, जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब आपको लास्ट काम करना है, स्टार्टिंग में आ जाना, लेयर के ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ स्टिकर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, यहाँ पे JD पटेल बड़ा सा 2 करके एक इफेक्ट मिलता है, जो इस पर क्लिक कीजिएगा और डाउनलोड कर लीजिएगा, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, क्लिक करने के बाद ड्रॉप वाला ऑप्शन को टैप कीजिएगा, कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से बैक आ जाइएगा, बैक आने के बाद फैंस इसे ऊपर की तरफ इस तरह से रख लीजिएगा और इसे नीचे तक इस तरह से कर लीजिएगा, देन यहाँ से बैक आ जाइएगा। बैक आने के बाद इसके ड्यूरेशन को आपको पूरा लास्ट तक कर देना है, जो कि कुछ इस तरह से स्क्रॉल करके आप कर लीजिएगा यहाँ से इस तरह से, ठीक है। अब प्ले करके आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से देख सकते हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, 3D में मूव कर रहा है और मोशन पोस्टर की तरह ऐसे लग रहा है। तो इस तरह की वीडियो इसी नाम से ट्रेंड करती है, तो मुझे उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आएगी। सो इस वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। इस वीडियो को सेव करने के लिए इस साइड में जो एरो दिखता है इस पर क्लिक कीजिए, क्लिक करने वाले यहाँ सेव एज वीडियो पर क्लिक कर दीजिए, वीडियो आपके फोन में सेव हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद करूँगा वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो और फ्रेंड्स वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद।